best back cover and best back cases for this Realme 12 Pro Plus स्मार्टफोन। तो गाइस अगर आपने यहाँ पर ये Realme का 12 Pro Plus 5G वाला स्मार्टफोन अगर आपने परचेस किया है या फिर परचेस करने का प्लान कर रहे हो, और ऐसे में अगर आप सर्च कर रहे हो बेस्ट बैक कवर एंड बेस्ट बैक केसेस फॉर दिस Realme 12 Pro Plus 5G स्मार्टफोन के लिए, तो यहाँ पर गाइस आप लोगों का टाइम बचाने के लिए मैंने कुछ बैक कवर्स परचेस किए। ये मेरे पास गाइस टोटल 9 बैक कवर्स हैं जो स्पेशली एंड ओनली फॉर इस Realme 12 Pro Plus 5G स्मार्टफोन के लिए। तो यहाँ पे गाइस एक बात मैं आपको हॉनेस्टली कहना चाहता हूँ, एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे पास ये जो कवर है, कवर को मैं आपको मोबाइल पे अप्लाई करके नहीं बता सकता बिकॉज मेरे पास अभी ये वाला स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं है। बट इन सारे बैक कवर्स को हम ओपन करेंगे, इनके लुक्स एंड क्वालिटी को चेकआउट करेंगे। बट ये सारे के सारे बैक कवर्स एकदम परफेक्टली और 100% फिट आपके इस प्रो प्लस 5G स्मार्टफोन पर अप्लाई हो जाएगा। और इनमें से अगर आपको कोई भी बैक कवर्स पसंद आता है तो सबके जो परचेस लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाकर आप सारे बैक कवर्स को परचेस कर सकते हो, कोई भी बैक कवर्स अगर आपको पसंद आता है। तो लेट्स वन बाय वन सारे बैक कवर्स को ओपन करते हैं एंड इनके लुक्स एंड क्वालिटी को चेकआउट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे ये तीन अलग लेवल के बैक कवर्स। तो तीनों के तीनों हार्ड केसेस बैक कवर है, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों को ओपन करते हैं एंड इनके लुक्स को चेकआउट करते हैं। ओके, तो नाउ इट्स अ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो सबसे पहले इस वाले बैक कवर्स को देखो, ये है गाइस एक पूरी तरह, ये तीनों जो बैक कवर्स है गाइस ये एक हार्ड केस बैक कवर है, वो भी अच्छे क्वालिटी वाला प्लास्टिक वाला बैक कवर है जो कि प्योर हार्ड केस है, जिसमें से फर्स्ट है ये एक ट्रांसपेरेंट इफेक्ट बैक कवर्स। वैसे मैं इस वाले पोर्शन को यहाँ पर ओपन नहीं करूँगा बिकॉज ये ऐसे कैसा सेफ ही ठीक है, और जब तक मैं इसमें वॉल पर अप्लाई नहीं करूँ। तो ये पूरी तरीके से हार्ड केस बैक कवर है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पूरा का पूरा, जो ये जो ब्लैक वाला बॉर्डर दिख रहा है ये इजीली रिमूवेबल है, आप इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हो। अगर आपको इसको वॉश करना है तो आप इसको वॉश भी कर सकते हो, लेकिन ये जो ब्लैक बॉर्डर दिख रहा है ये बेसिकली इसके अंदर रबड़ का ये जो सिलिकॉन मटेरियल आप यूज़ किया गया, बाकी पूरा का पूरा जो भी ट्रांसपेरेंट टेक्स्चर आपको दिख रहा है यहाँ पे इफेक्ट, वो पूरा का पूरा एक हार्ड केस के साथ में आता है। और यहाँ पर आपको पूरा का पूरा देखो ये बम्पर वाला कैमरा का प्रोटेक्शन दिखता है, यानी कि जो बम्पर इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है कैमरा बाहर की तरफ है, और आपका जो कैमरा है इसमें पूरी तरीके से सेफ रहेगा। और ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको हार्ड वाला टेक्सचर देखने को मिलता है, तो ये बेसिकली आपके मोबाइल को डैमेज होने से बचाता है। अगर आपका मोबाइल इस तरीके से ड्रॉप होता है तो ये आपके मोबाइल को डैमेज होने से बचाएगा। तो अगर आप एक ट्रांसपेरेंट बैक कवर अगर आप देख रहे हो जो सिंपल हो, प्लेन हो, डिसेंट हो, ज़्यादा कैजुअल जैसा फीलिंग ना है, तो आप इस वाले बैक कवर को परचेस कर सकते हो, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। उसके बाद ये सेकेंड वाला कवर, वैसे दोनों को मैं साइड में रखता हूँ, तो ये है सेकंड वाला कवर जो कि पूरा का पूरा ब्लैक है, और ये स्पेशली फॉर ब्लैक लवर्स के लिए जिनका ब्लैक कलर फेवरेट है, और ब्लैक कलर में हार्ड केस अगर आप सर्च कर रहे हो तो ये बैक कवर आपके लिए बेस्ट होगा। ये पूरा का पूरा बैक वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ये पूरा हार्ड है, और इसमें आपको रिंग होल्डर देखने को मिलता है जिसको आप 360 एंगल में इस तरीके से रोटेट या घुमा सकते हो। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये दिख रहा है राउंड सर्कल, ये बेसिकली पूरा का पूरा एक रबड़ है, ये बेसिकली बीच में आपको दिख रहा है ये प्लास्टिक नहीं है, ये बेसिकली सिलिकॉन रबड़ यहाँ पे यूज़ किया गया जिसको आप इजीली यहाँ से फ्लैक्स भी कर सकते हो। और इसमें ये जो पोर्शन है इसको आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो, ये इजीली रिमूवेबल है, लेकिन जो बैक वाला पोर्शन है ये आपको हार्ड प्लास्टिक के साथ में देखने मिलता है। और ये जो दिख रहा है ये बेसिकली ये कोई शाइनिंग के लिए नहीं है, ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए। पहली बात है दो काम करता है, पहला था कि आप इसको इस तरीके से एज अ होल्डर के बेसिस पे यूज़ कर सकते हो, और सेकंड जो है आप इसके अंदर अपने फिंगर को डालकर कॉल पे ऐसे बात कर सकते हो, जिससे कि क्या है कि कोई भी पर्सन आपका मोबाइल ऐसा पीछे से छीन के भाग नहीं सकता है। अगर आपका फिंगर इसके अंदर रहेगा तो मोबाइल आपका चोरी होने से बचेगा, तो ये सेफ्टी के लिए होता है। और साथ ही साथ इसको आप ऐसा होल्डर के बेसिस पे यूज़ कर सकते हो, सबसे ये भी इसका एक सेकेंड एडवांटेज है। मोस्ट प्रॉब्लम इसका लुक अगर आप देखोगे तो अगर आप एक गेमर पर्सन हो और आप गेमिंग के लिए Realme 12 Pro Plus ले रहे हो तो ये बैक कवर आपके लिए बेटर होगा। इसमें आपको एक और कलर मिलता है, ये सेम टू सेम, देखो दोनों के दोनों सेम टू सेम है, लेकिन ये आप चाहे तो ब्लू कलर अगर आपका फेवरेट है, ये मेटालिक ब्लू कलर है, तो अगर आपका ब्लू कलर फेवरेट है विद ब्लैक टेक्स्चर के साथ में तो आप इस वाले कवर को परचेस कर सकते हो। लेकिन अगर आपको प्योरली ही ब्लैक कवर चाहिए तो आप इन दोनों बैक कवर को कोई भी बैक कवर आप परचेस कर सकते हो। तो ऑब्वियसली बात है ये जो स्मार्टफोन है बेसिकली जो Realme 12 Pro Plus है, ये आपको टोटल तीन कलर्स मिलता है, ऑरेंज, सिल्वर। तो यहाँ पर आपको देखो अगर आपने इसका ब्लू वाला वेरिएंट अगर आपने परचेस किया है Realme 12 Pro Plus का, तो ऑब्वियसली बात है ये कवर आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ब्लू के ऊपर ब्लू कवर अच्छा भी लगता है। तो ये जो कवर है स्पेशली ये भी देखोगे ब्लैक के ऊपर ब्लू भी अच्छा ही लगेगा। और अदरवाइज अगर आप इसका सिल्वर वाला अगर आपने वेरियंट परचेस किया है प्रो प्लस का, तो ये भी और ऑरेंज के ऊपर भी अच्छा लगेगा। बेसिकली जो ये स्मार्टफोन तीन कलर्स में, तो ऑब्वियसली बात है तीनों कलर इसके ऊपर अच्छा भी लगेगा, नॉट बैड।
तो इन दोनों स्मार्टफोन का अगर आप साइड वाला पोर्शन देखोगे तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है प्रॉपर। नीचे की तरफ आप देखोगे तो यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट एंड स्पीकर के लिए प्रॉपर कटआउट है। लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा प्लेन है और ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको कटआउट्स देखने को मिल जाते हैं, जो आई थिंक ये इसमें आपको कटआउट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर आपको कटआउट नहीं मिल रहा है। इसमें आपको देखोगे यहाँ पर कटआउट्स का आपको है, इसमें आपको कटआउट मिल रहा है तो इसमें मिल रहा है। बट ये दोनों स्मार्टफोन प्रो, तो अगर आपने प्रो 5G परचेस किया है, प्रो प्लस लिया, तो दोनों के ऊपर कवर अच्छा भी लगेगा। और उसके बाद अगर आप देखोगे इस वाले कवर को, तो यहाँ पर आपको इसमें भी राइट साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन के ऑप्शन है। नीचे की तरफ स्पीकर, चार्जिंग पोर्ट के लिए लेफ्ट साइड में पूरा का प्लेन है एंड ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको कटआउट्स देखने को मिल जाते हैं। तीनों के जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद यहाँ पर हमारे दो अलग लेवल के बैक कवर्स की, तो ये दोनों बैक कवर्स को ओपन करते हैं। सो ये हमारे दो अलग लेवल के बैक कवर्स, तो ये बेसिकली पूरे के पूरे फ्लेक्सिबल और सिलिकॉन कवर वाले बैक कवर्स हैं, जो आप पूरा का पूरा इजिली फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। और इसको आप देखोगे, इसको आप यहाँ से मोड़ भी सकते हो, तो प्योरली सिलिकॉन कवर है, ज़्यादा कुछ कहने के लायक नहीं। अगर आपने यहाँ पर गोल्ड वाला वेरियंट अगर आपने परचेस किया है प्रो प्लस का, तो ये अच्छा भी लगेगा। और यहाँ पर देखो गोल्डन टेक्सचर देखने को मिलता है, पूरा बैक साइड में आपको फिनिशिंग मिलता है शाइनिंग स्काई ब्लू टाइप में। और यहाँ पर देखो ये है बेसिकली ब्लैक कलर में, तो ब्लैक कलर का मैंने आपको दिखाया था। ब्लैक कलर में अगर आप सिलिकॉन कवर सर्च कर रहे हो अपने प्रो प्लस के लिए, तो ये कवर आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। तो यहां पर आप अंदर की तरफ देखोगे तो इसमें आपको ये दिख रहा है पूरा गादी वाला इफेक्ट है, और इसमें पूरा कपड़ा प्लेन है, सॉफ्ट है। तो अभी से बात है, अगर आप सिलिकॉन केसेस देख रहे हो तो ये आपके प्रो प्लस के लिए ज़्यादा बेटर भी होगा। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे राइट साइड में दोनों में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन के लिए ऑप्शन दिया गया है। नीचे की तरफ स्पीकर, चार्जिंग पोर्ट के लिए प्रॉपर है कटआउट्स। और उसके बाद यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में पूरा प्लेन है एंड ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको कटआउट्स देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल नॉट बैड, यू कैन चेक इट आउट दिस एज वेल। तो अब आ रही हमारे दो अलग लेवल के बैक कवर्स को ओपन करने की, इन दोनों को, ये दोनों भी आपको डिफरेंट है, तो इन दोनों को भी चेकआउट करते हैं। सो नाउ ये हमारे दो अलग लेवल के बैक कवर्स। वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में एक सेम टू सेम ऐसा बैक कवर बताया था जो कि ट्रांसपेरेंट था, तो ये भी और दो अलग ट्रांसपेरेंट है, लेकिन ये देखो ये पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट है। तो जो मैंने आपको पहले बताया था ये भी ट्रांसपेरेंट है, ये भी ट्रांसपेरेंट है, खाली ये जो है ये हाई क्वालिटी का आता है और ये आपको मीडियम क्वालिटी का आता है, लेकिन दोनों ही ट्रांसपेरेंट है। तो अगर आप एक सिंपल प्लेन के अगर आप सर्च करें विद अ ब्लैक बॉर्डर, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। सिंपल डिसेंट सा है, आप ज़्यादा बैक कवर्स के पीछे टाइम कलरिंग में आपको कोई लेना देना नहीं है, बस आपको एक सिंपल डिसेंट सा कवर चाहिए जो आपके मोबाइल को बस सेफ रखे कवर में, तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। इसमें ये देखो ये पूरा इजीली मतलब फ्लेक्सिबल भी हो जाता है, ज्यादा फ्लेक्सिबल मत करना अदरवाइज टूट जाएगा। बट यस, ये इतना इजीली फ्लेक्सिबल हो जाता है। और यहाँ पर देखोगे इसके पीछे कवर है, इस कवर को आपको निकालना है, तो इसका जो शाइनिंग इफेक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल मैं इसे निकालूंगा नहीं, देखो यहाँ से निकल सकता है कवर आप निकाल सकते हो। और यहाँ पर देखोगे ये साइड का पोर्शन, ये आपको सिलिकॉन हार्ड मटेरियल के साथ में आता है, ये बेसिकली रबड़ है, यहाँ पर पूरा सिलिकॉन रबड़ है। यहाँ पे बॉर्डर में जो भी आपको ब्लैक दिख रहा है इस बॉर्डर में, ये सिलिकॉन रबड़ है। उसके बाद ये है एक स्मोक इफेक्ट, स्मोक इफेक्ट वाला जो कवर है ये भी लोग ज़्यादा परचेस करते हैं, पहले परचेस करते थे बट अभी इसका ट्रेंड थोड़ा कम हो गया, बट फिर भी लोग परचेस करते हैं। और ये पूरा का पूरा हार्ड प्लास्टिक के साथ में आता है। इसमें आपको जो पोर्शन दिख रहा है ये भी सिलिकॉन, ये जो बॉर्डर पोर्शन दिख रहा है ये आपको सिलिकॉन ही मिलता है, लेकिन हार्ड वाला सिलिकॉन है इसमें। इसका जो सिलिकॉन रबड़ है ये आपको लाइट मिलता है, इजिली हो जाता है, लेकिन यहाँ पर जो इसमें सिलिकॉन रबड़ मिल रहा है ये प्योरली एक हार्ड कवर है। और यहाँ पर आपको पूरा का पूरा स्मोक मिलता है, इसमें देखो कि ये पूरा ट्रांसपेरेंट है, दिख रहा है आगे पीछे से, लेकिन यहां पर आपको ये ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये स्मोक इफेक्ट में आता है, थोड़ा थोड़ा फॉग जैसा इसमें फीलिंग आता है। और यहां पर देखो दोनों में ही आपको कैमरा में बंपर लेवल का प्रोटेक्शन मिलता है, कैमरा आपका यहां पे पूरी तरीके से सेफ रहेगा, बिकॉज यहां पर कैमरा बंपर है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। तो अगर आपका मोबाइल इस तरीके से गिरता है तो आपके मोबाइल को कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, बिकॉज ये जो बाहर का बॉर्डर है यहां पर कैमरा को पूरी तरीके से सेफ रखेगा, कैमरा बिल्कुल भी डैमेज होगा नहीं। तो अगर आप मोबाइल को इसके अंदर प्लेस करोगे तो बीच में गैप बहुत होगा, तो इससे आपका कैमरा भी सेफ रहेगा दोनों में। इसमें गैप तो कम मिलता है थोड़ा, और इसमें लेकिन गैप आपको ज्यादा मिलता है। और इसमें देखोगे अगर आप दोनों में देखोगे बॉर्डर में आपको ज़्यादा डिफरेंस मिलता है। इसमें आपको एक देखो स्ट्रैप मिलता है जो कि थोड़ा ऑरेंज इफेक्ट है, तो अगर आपने ऑरेंज वेरिएंट वाला अगर आपने परचेस किया है प्रो प्लस का कलर, तो इस वाले कवर को आप प्रीफर कर सकते हो ऑरेंज के साथ, ऑरेंज स्ट्रैप, तो थोड़ा ट्रैक भी लगेगा, डिसेंट भी लगेगा, बट डिपेंड है। ये जो है गाइस ये थोड़ा ज़्यादा हार्ड है इसके कंपैरिजन में, ये इजीली फ्लेक्सिबल हो पा रहा है लेकिन ये थोड़ा हार्ड है। तो देखो जैसे आपकी चॉइस है, ये स्मोक है, ये ट्रांसपेरेंट है, दोनों ही अपने लेवल पर एकदम बेस्ट है, तो कोई भी आप परचेस कर सकते हो, दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे आप देखोगे दोनों में आपको राइट साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन के लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद नीचे की तरफ आप देखोगे चार्जिंग पोर्ट एंड स्पीकर के लिए प्रॉपर गैप है। उसके बाद लेफ्ट साइड में है पूरा का पूरा, एंड उसके बाद ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको कटआउट्स देखने को मिल जाते हैं प्रॉपर तरीके से, तो दोनों ही प्रो प्लस के लिए है। तब बारी यहाँ पर हमारे लास्ट एंड फाइनल बैक कवर्स को ओपन करने की, ये दोनों प्रिंटिंग डिजाइन वाले बैक कवर्स है, इनको भी ओपन करते हैं। सो
ये है हमारे दो प्रिंटिंग डिजाइन वाले बैकवर्ड्स। वैसे दोनों बैकवर्ड्स के बारे में ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं, बिकॉज दोनों की जो क्वालिटी है, मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी, वो पूरा 100% सेम है। खाली जो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है वो है प्रिंटिंग डिजाइन। ऑब्वियसली बात है, अगर आपका बजट कम है, आप बैकवर्ड के ऊपर ज़्यादा पैसा स्पेंड नहीं करना चाहते हो, बस आप 100-150-200 के अंदर एक बैकवर्ड अगर आप सर्च करें जो बस आपके स्मार्टफोन को कवर करें, गंदा होने से बचाए, तो ऑब्वियसली बात है, तो ऐसे में कवर ज़्यादा बेटर होता है। तो आप इस प्रिंटिंग डिजाइन वाले बैकवर्ड्स को आप परचेस कर सकते हो। प्लेन के कंपैरिजन में ये भी एक तरह से बेटर होता है, लेकिन पानी से आपको थोड़ा इनसे इनको सेफ रखना होगा। ये बस वाटर रेसिस्टेंस है, लेकिन अगर आप पानी में इसको ज़्यादा टाइम तक रखोगे तो ये खराब हो जाएगा। इसको आप ज़्यादा वॉश मत करिएगा, बिकॉज प्रिंटिंग है, इसका प्रिंट खराब भी हो सकता है, जो भी है ऑनेस्टली कहूँगा। बट यस, अगर आप चाहते हो थोड़ा बहुत हल्का हल्का पानी लगा के इसको आप साफ कर सकते हो, बट पानी में ज़्यादा तक इसको रखना मत। और यहाँ पे अब ज़्यादा कुछ कहने के लायक नहीं, देखो दोनों बैकवर्ड्स इजिली फ्लेक्सिबल हो पा रहे, तो प्रिंटिंग डिजाइन के बारे में क्या ही कह सकते हैं। यहाँ पर भी आप देखोगे दोनों में आपको कैमरा का यहाँ पे बम्पर का प्रोडक्शन मिलता है, तो कैमरा इसमें भी आपका सेफ रहेगा। सीधी से बात है, यहाँ पे कैमरा को सेफ रखेगा, मेन जो चीज है वो कैमरा ही है। और यहाँ पे देखोगे राइट साइड में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन, पावर बटन का ऑप्शन मिल रहा है, नीचे की तरफ आपको चार्जिंग पोर्ट एंड स्पीकर का ऑप्शन है, लेफ्ट साइड में पूरा का पूरा प्लेन है, एंड ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको प्रॉपर कटआउट्स देखने को मिल जाते हैं। दैट्स इज, ज़्यादा कुछ कहने के लायक नहीं है। तो दोनों ही प्रिंटिंग है, ये एनिमेशन टाइप है जो कि थोड़ा सेटिस्फाइंग और रिलैक्सिंग फील होता है, और ये थोड़ा आपको एक अलग टाइप का उठाऊ कलर है, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है, बट एक उठाऊ कलर है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अट्रैक्ट करता है। ये जो है रिलैक्सिंग है, सेटिस्फाइंग है, अगर आप इसको देखते हो तो एनिमेशन है, और ये उठाऊ है, दैट्स इट। दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस, ये था हमारे बेस्ट बैक कवर एंड बेस्ट बैक केसेस फॉर दिस Realme 12 Pro Plus स्मार्टफोन के लिए। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना, ये ओनली फॉर Pro Plus के लिए, Pro 5G के लिए नहीं है, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो सबके जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एक बार जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, पसंद आए तो परचेस कर लेना, अदरवाइज कोई बात नहीं।